तरफा बिकवाली में आईटी सेक्टर पर सबसे ज्यादा दबाव दिख रहा है। भारी गिरावट की वजह क्या है और कौन से ट्रिगर्स हैं जो कि आईटी में सबसे ज्यादा कमजोरी यहाँ पर ढा रहे हैं, बताने के लिए हमारे साथ शरद जुड़ गए हैं। शरद बताएं, आईटी स्पेस देख रहे हैं सबसे ज्यादा कमजोर होता हुआ, क्या ट्रिगर्स हैं, गिरावट के कारण क्या नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, निफ्टी आईटी इंडेक्स देखे तो ऑलमोस्ट 5% जो है दिन के ट्रेड में गिर चुका है, भारी गिरावट देखने मिल रही है। और जो पैक लीड कर रहा है वो इन्फोसिस, लगभग 8% डाउन है। चौथे तिमाही के नतीजे जो थे आपके एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन से कम आए थे, फिर आपके दबाव टेक महिंद्रा, एम्फेसिस और माइंडट्री, विप्रो, टीसीएस, सारे स्टॉक्स में जो है बिकावली देखने मिल रही है। अब याद रखिए आज माइंडट्री के भी नतीजे आने वाले हैं। अब जो मेन रीजन है इस सेल ऑफ की, वो उस पर हम लोग थोड़े से फोकस करते हैं। सबसे पहला रहेगा जो वीक नंबर्स देखने मिले आपको इन्फोसिस और टीसीएस के पोस्टिंग किए हैं, ये सबसे पहला रीज़न रहेगा। दूसरा रीज़न जो रहेगा वो रहेगा वैल्यूएशंस के बारे में। वैल्यूएशंस जो है अभी भी स्ट्रेच्ड है आईटी स्पेस में देखा जाए तो ये दूसरा कारण है जो सेल ऑफ हो रही है आपके आईटी शेयर्स में। और इसके अलावा जो है ईपीएस डाउनग्रेड्स इस चौथे तिमाही में जो एक्सपेक्टेशन है कि अब होने वाले, ऑलरेडी इन्फोसिस में ईपीएस डाउनग्रेड्स देखने शुरू हो गए स्पेशली फॉरेन ब्रोकिंग हाउसेस से, और जो मार्जिनस है वो भी वहाँ पे एक इम्पैक्ट देखने मिलेगा जहाँ पे आपका वेज हाइक और सप्लाई साइड एरिया में प्रॉब्लम है। अब ईपीएस के डाउनग्रेड्स की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे आप देखिए नोमुरा, सीएलएसए, ऐसे सारे जो दिग्गज फॉरेन ब्रोकिंग हाउसेज है लगभग 3 से लेकर 7% तक का ईपीएस डाउनग्रेड जो है ऑलरेडी देखने मिल चुका है। और आखिर में मैं बात करूँगा वैल्यूएशंस के बारे में, तो सबसे पहले लार्ज कैप टेक स्टॉक्स को लाते हैं जिनके वैल्यूएशन हम देखते हैं, तो उनके वैल्यूएशन देखें तो लगभग 30 से लेकर 31 तक आपके टीसीएस और इन्फोसिस की जो है पी रेशियो है, 1 ईयर फॉरवर्ड पी रेशियो। और मिड कैप की बात करें अगर दूसरे साइड में हम देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे वैल्यूएशन और महंगे हैं। आप माइंडट्री ले लीजिए, एलएनटी इन्फोटेक ले लीजिए, एलएनटी टीएस ले लीजिए, यहाँ पे 36-41 times जो है पी रेशियो चल रही है। ओके शरद, बहुत शुक्रिया आपका। आईटी स्पेस फोकस में है और फोकस हम देख रहे हैं कमजोरी की वजह से, और इस बीच